जय हिंद दोस्तों, आज हम लोकसभा चुनाव की रिपोर्टिंग के लिए चले हैं। इस बार 12 बजे तक काफ़ी कम जो है वोटिंग हुई है, जो गति आनी चाहिए थी मतदाताओं की तरफ से वो देखने को नहीं मिली। यदि हम हरियाणा प्रदेश की बात करें, उसके अंदर सोनीपत की बात करें, तो सोनीपत के अंदर गन्नौर में 12 बजे तक 23.87, राई में 27, खरखोदा में 23, सोनीपत में 12%, गोहाना में 28%, जुलाना में 26%, सफीदों में 23 और जींद में 30% वोटिंग हुई है। दोपहर हो चुकी है, 7 बजे वोट शुरू हुए थे, 5 घंटे के अंदर यह जो गति काफ़ी कम मानी जा रही है। यह बात अलग है कि ऐसे बुज़ुर्ग, ऐसे कुछ एक बीमार भी वोट डालने के लिए आए जिनको व्हीलचेयर के ऊपर लेकर आना पड़ा, लेकिन इस भारत के लोकतंत्र पर्व के ऊपर हम सभी को ये देखने को मिला है, शांतिपूर्वक वातावरण है। एक दो जगह पर अगवानपुर में 1.5 घंटा मतदान रुका था, पबनेरा के अंदर 111-112 बूथ के ऊपर देरी से स्टार्टअप हो पाया। ये 67 नंबर बूथ है गांधीनगर गन्नौर में, उसमें भी 0.5 घंटा देरी से वोटिंग हुई, लेकिन ये बहुत ही अच्छी बात रही है कि जो सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, डिप्टी कमिश्नर सोनीपत डॉक्टर सालिन, उन्होंने मतदान करने के बाद ये अपील की थी कि सभी शांतिपूर्वक मतदान करें, और उसका एक अच्छा सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिला। रमेश कौशिक ने, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, अपने गांव समस्तपुर गामड़ा के अंदर वोट डाले। कैबिनेट मंत्री कविता जैन, राजीव जैन सीएम के मीडिया सलाहकार हैं, उन्होंने सोनीपत में डाले, और इनेलो के प्रत्याशी सुरेंद्र छिकारा ने सोनीपत में वोट डाले। चेयरपर्सन कृष्णा गहलोत ने बहालगढ़ के अंदर वोट डाले हैं। ये सेलिब्रिटीज़ के साथ साथ में एक नौजवान विकास त्यागी, जो एटलांटा अमेरिका से आया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का वहाँ पर सर्विस कर रहा है, वो वोट डालने के लिए ही आया, और उसने अपनी अपील में सभी युवाओं को ये कहा कि आप सभी इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोट जरूर डालें। अभी माहौल पूरी तरह से शांत है, अभी हम गांव अगवानपुर के पास में पहुंचे हैं। इससे पहले हम पुरखास धीरान में गए, समस्तपुर गामड़ा में गए, माहौल शांतिपूर्वक है। बाकी जानकारी हम आपको बाद में देंगे। जय हिंद साथियों।